तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल पे एडमिक्स में। तो दोस्तों आज हम मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं डोगो अर्जेंटो के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सको। और दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी, तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर से आप देखिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। डोगो अर्जेंटो, दोस्तों इनके नाम से भी आपको पता चल जाएगा इनकी इन डॉग का ओरिजिन कहाँ से है। तो दोस्तों इन डॉग का ओरिजिन अर्जेंटो से है। और दोस्तों डोगो अर्जेंटो के अलावा इन डॉग को और भी नामों से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है इनका डोगो। डोगो नाम से इनको बहुत सारे लोग जानते हैं और दोस्तों ये काफ़ी फेमस भी है ये नाम से। और दोस्तों 1928 में इन डॉग को ब्रीड किया गया था ताकि ये वाइल्ड बोर का शिकार कर सके और वाइल्ड डॉग से अपने फार्म की हिफाजत कर सके और साथ साथ में अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन डॉग का यूज़ करते थे और साथ में माउंटेन लायन का शिकार करने के लिए भी इन डॉग का बहुत यूज़ करते थे। और दोस्तों 1928 में एंटोनियस नोरिस मार्टिनेस ने, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थे, वो एक ऐसी ब्रीड बनाना चाहते थे कि ताकि वो काफ़ी सुंदर भी दिखे, एक गार्ड डॉग भी बने और अपने फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी हो। इसीलिए उन्होंने कोटोको फाइटिंग डॉग को अलग अलग डॉग ब्रीड से ब्रीड किया, जो कि थे ग्रेट डेन, बॉक्सर, स्पेनिश मैस्टिफ, आयरिश बुलफॉर्म और दोस्तों इंग्लिश बुलडॉग। इन सारे डॉग के साथ ब्रीड करने के बाद 1928 में डोगो अर्जेंटो की जो ब्रीड बनी। और दोस्तों डोगो अर्जेंटो काफ़ी मस्कुलर डॉग होते हैं और इनमें बहुत सारी पावर होती है और काफ़ी एक्टिव डॉग होते हैं ये। इसी वजह से इनको बिग हंटिंग गेम में भी यूज़ किया जाता था और इनके ऊपर बैटिंग लगाई जाती थी। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे हंटिंग डॉग होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, सर्विस डॉग एंड बॉम्ब डिटेक्शन और साथ साथ में मिलिट्री में भी इन डॉग का यूज़ किया जाता है। दोस्तों डोगो अर्जेंटो को काफ़ी ख़तरनाक डॉग माना जाता है, इसलिए बहुत सारे कंट्री में इन डॉग को बैन किया गया है, जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आइसलैंड, इन सारी कंट्री में आप इन डॉग को एडॉप्ट नहीं कर सकते। डोगो अर्जेंटो एक लार्ज साइज़ का डॉग ब्रीड है और इनका कोट है वो शॉर्ट कोट होता है, इसलिए इनकी ग्रूमिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों बात इन डॉग के कलर की, तो दोस्तों ये आपको वाइट कलर में ही मिलेंगे और कोई कलर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों बात करें इनकी सोशलाइज और ट्रेनिंग की, तो बाकी डॉग के मुकाबले इन डॉग को ज़्यादा सोशलाइज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और साथ साथ में रेगुलर वॉक की भी इन डॉग को बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आप इन डॉग को एडॉप्ट करने की सोच रहे हो तो इनको बचपन से सोशलाइज ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे जाके अच्छे गार्ड डॉग बने और आपकी हर बात माने। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो दोस्तों ये आपके लिए डॉग सही नहीं है, ये सेकेंड टाइम डॉग ओनर के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इनके लिए एक्सपीरियंस वाला डॉग ओनर होना ज़रूरी है। डोगो अर्जेंटो काफ़ी फैमिली के लिए काफ़ी लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं और दोस्तों ये अपने फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आके उनके फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो दोस्तों ये डॉग उन्हें नहीं छोड़ते, चाहे इनकी जान भी चली जाए पर ये अपने फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अगर दोस्तों बात करें बेबीज या बच्चों के साथ रखने की, तो दोस्तों ये बेबीज और बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं, बट इन्हें बचपन से ही आप बेबीज और बच्चों के साथ रखिएगा ताकि ये उनके साथ अच्छे से रह सकेंगे। दोस्तों अगर आपका घर छोटा है तो दोस्तों छोटे घर में आसानी से नहीं रह सकेंगे, इनके लिए मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ का घर होना ज़रूरी है। और दोस्तों इनका शॉर्ट कोट होता है, इसलिए ठंडे वेदर में भी इनको मुश्किल होती है, क्योंकि इनका कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इन डॉग को आप घर के अंदर ही ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों इन डॉग की वेट की बात करें तो दोस्तों मेल में होता है 40 से लेकर 45 kg और फीमेल में होता है 40 से 43 kg। और वही हम हाइट की बात करें तो जो मेल में होता है हाइट वो 24 से 27 इंच तक होती है और फीमेल में होती है 24 से 26 इंच। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने जो हमें इंस्टा पे भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।